भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा रायपुर पहुंचे। इस दौरान संबित पात्रा ने मीडिया से बातचीत में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि यदि कहीं भ्रष्टाचार होगा तो उसकी जांच जरूर होगी, लेकिन विपक्ष भ्रष्टाचार की जाँच नहीं चाहता। जिसके बाद उनके विधायकों के साथ बैठक शुरू हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक साथ ही भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। देखिए, ईडी और सीबीआई इत्यादि के अधिकारी गली गली में घूम रहे हैं कि हम और आप जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, जिन्होंने कोई गबन और भ्रष्टाचार नहीं किया, वो तो माइक्रोस्कोप लगा के दूरबीन लगा के देखते नहीं कि गली में ईडी वाले घूम रहे हैं कि नहीं, मगर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो जरूर दूरबीन लगा के देखते हैं कि ईडी वाले कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में आत्मग्लानी है। वो जानते हैं इस नए भारत में एक न एक दिन पकड़ा जाना है, और शायद इसीलिए भूपेश बघेल जी जो है दूरबीन लगा करके देख रहे हैं कि कौन सी गली से ईडी वाले गुजर रहे हैं। अगर उनका चित्त साफ है तो आराम से गहरी नींद में वो